जय हिंद साथियों, आइए दैनिक जागरण में देखते हैं कौन से जो है न्यूज को वरीयता दी है। क्या शतक का सूखा खत्म कर पाएंगे विराट? 28 माह बाद भारत पाक ने एक दूसरे के राजनयिकों को जारी किए वीजा। केंद्रीय मंत्री राणे महाराष्ट्र में गिरफ्तार। और अफगानिस्तान पर शासन को तालिबान ने बनाई काउंसिल। सिद्धू खेमे के 4 मंत्री व 25 विधायक बोले सीएम पर भरोसा नहीं। आरक्षण में ज्यादा गरीबों को प्राथमिकता देने की अधिसूचना रद्द। और ऐसे तो दस्ताने पहनकर छेड़छाड़ करने वाले कभी सजा ही नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर सुरक्षा तंत्र दुरुस्त करने में जुटी सरकार। और नाले और नालियों की बनावट में किए जाएंगे बदलाव। केजरीवाल कानूनी नोटिस देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं हाईकोर्ट। और दिल्ली सरकार के खिलाफ आक्रामक होगी भाजपा। नेहरू प्लेस में दमकल की गाड़ियों के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश। और DSGMC की सत्ता का आज होगा फैसला। फिलहाल थमा बारिश का दौर, बढ़ा उमस का जोर। अरावली में 2 अवैध निर्माण ढाए। और ऑनलाइन गाइड मुहैया कराएगा ASI। वर्चुअल स्कूल जाएंगे 17 करोड़ बच्चों के जीवन में शिक्षा की उजियारा। और भारत को साल के अंत तक मिल जाएगी S-400 मिसाइल प्रणाली। 70 साल में बनाई देश की बेशकीमती धरोहरें बेच रही सरकार। राहुल और अस्थाई कमीशन पर नौसेना के अफसरों की याचिकाओं पर निर्णय करें AFT। पशु चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल। और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और पिछड़ों को थाम कल्याण पद पर भाजपा। छत्तीसगढ़ में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन। और सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस से मांगी सफाई। तेज प्रताप को नजीर बना देना चाह रहा राजद नेतृत्व। और दिग्गज रावत भी सांसद शांत नहीं कर पा रहे कल। PhD ने विधानसभा चुनाव में उतरने का दिया संकेत। और राणे की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन। मुठभेड़ में TRF के 3 आतंकी ढेरी। और पाक ने 1 साल में भेजा इतना असलाहा जिनसे सेना की 2 कंपनियां हो जाती हथियारों से लैस। बार बार ब्रेक लेने से टूटी मानसून के समान रहने की आस। और सवा तीन लाख से नीचे आए सक्रिय मामले। टीकाकरण के लिए व्हाट्सएप पर अब ले सकते हैं समय। और बूस्टर डोज पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं। देवघर एम्स शुरू हुई OPD सेवा। और राष्ट्र विरोधी घटनाओं पर हिंदूवादियों का प्रदर्शन। 31 से बाद भी सुरक्षित निकासी गारंटी दे तालिबान। G7 में उठी मांग। मोदी से लगा रहे गुहार, अब भारत आकर तालिबान की तारीफ कर रहे तमाल। अफगानिस्तान पर वार्ता जारी रखेंगे भारत रूस। और अफगानिस्तान से लौट रहे लोगों को रहना होगा क्वारंटाइन। भारत ने जैसे लश्कर को लेकर किया आगाह। और CAA पर बदले अकालियों के सुर, समय सीमा बढ़ाने की मांग। अमेरिका ने काबुल से और 10,900 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और कश्मीर में तालिबान की मदद लगातार। अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाली गई महिला फुटबॉल खिलाड़ी। और अफगान पॉप गायिका ने पाक को ठहराया जिम्मेदार। दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे के लिए धमकाता है चीन। हैरिस और इमरान सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा दीपक। पंजाब में गन्ने का मूल्य अब 360 रुपये। किसानों का धरना खत्म। अमिचाई संरक्षणवाद का सहारा। तालिबान सोच से परास्त हुआ अमेरिका। और किसान सम्मान निधि उग्रता का अनुचित प्रदर्शन। तालिबान को लेकर रूस के बदलते तेवर। जी रूस तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश कर रहा है, मगर इसे यह नहीं समझना चाहिए इसने पूरी तरह तालिबान के पक्ष में अपना मन बना लिया है। रूस अफगानिस्तान के मामले में भी अब ही देखो और आगे बढ़े की नीति पर चल रहा है। दरअसल अफगानिस्तान का भू राजनीतिक इतिहास और तालिबान का अविश्वसनीय होना कुछ ऐसे ही कारक है कि रूस के लिए तालिबान सिंड्रोम से बाहर निकलना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर दिखता है। माना जा रहा है कि रूस के रुख का भारत को भी इंतजार है। आतंकवाद से कराहती मानवता, हर परिवार को पहचान दिलाती मनोहर योजना। और अमृत महोत्सव की महत्ता, आयुष चिकित्सा को बढ़ावा तय हो। कांग्रेस की जवाबदेही उपचुनाव के लिए मांग के मायने।
जन्मस्म शर्वा तिथियों का फेरा नहीं और कंपनी बनाकर जड़ी बूटी चूर्ण बेच रही आदिवासी महिला। पहला तो हमें 18.5% की दर से बढ़ सकती है जीडीपी और नी भारत दूसरा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब। बसपा सांसद पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला वाली पीड़िता ने भी दम तोड़ा और कक्षा में पढ़ाई कर रहे किशोर की चाकू कूट कर हत्या। टोकन उद्घाटन समारोह में दिखी पैरा एथलीटों की शक्ति, क्या शतक का सूखा खत्म कर पाएंगे विराट? अहंकार को जेब में रखना जरूरी, कोहली भारत के पास हर परिस्थिति में जिताने वाले गेंदबाज। मला आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह मुझे आउट नहीं करना चाहते थे। एंडरसन, बुमराह ने लॉर्ड टेस्ट के दौरान एंडरसन को कई बाउंसर फेंके थे। बुमराह ने 10 गेंदों का ओवर फेंका था जिसमें अधिकांश बाउंसर थी, लेकिन कोई भी गेंद एंडरसन के हेलमेट पर नहीं लगी। इस घटना के बाद खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान प्रदान भी हुआ। एंडरसन ने कहा, मैं थोड़ा सकते में था क्योंकि जो भी बल्लेबाज वापस आ रहा था वो कह रहा था कि पिच कितनी धीमी है और शॉर्ट गेंद फेंकने के लिए पिच काफ़ी धीमी थी। जब मैं बल्लेबाजी के लिए आया तो रूट ने कहा कि बुमराह उतनी तेज गेंद नहीं फेंक रहा है जितनी वह सामान्य तौर पर फेंकता है। और इसके बाद पहली गेंद 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से थी और सीधे लक्ष्य पर। मैंने ऐसा महसूस किया जैसा अपने करियर में कभी नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे आउट करने का प्रयास ही नहीं कर रहा। उसने ओवर फेंका 10-11-12 गेंद, वह एक के बाद एक नोवल फेंक रहा था, शॉर्ट गेंदबाजी कर रहा था। और गंभीर समस्या न बन जाए स्लीप एपनिया और माँ के दूध का विशेष शुगर संक्रमण की दवा। आईआईटी मद्रास ने तैयार की देश की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर और संजय लीला भंसाली लाएंगे गजल एल्बम। तो आज बस इतना ही, जय हिंद।